नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पहली इकाई की आठवीं कविता जीवन नहीं मरा करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। नीरज उनका उपनाम है। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के पुरावली इस गांव में हुआ था। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण इस पर चर्चा की है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता की शुरुआत की पंक्तियां है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि हमारे अश्रुओं की तुलना मोतियों से करते हैं। जैसे मोती बहुत मौल्यवान होते हैं, वैसे ही कवि कहते हैं हमारे अश्रु भी बहुत मौल्यवान होते हैं। हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ जाए, हमारे कुछ सपने पूरे ना हो, उससे हमारा जीवन खत्म नहीं होता। आगे की पंक्तियाँ है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई माला है और अचानक किसी कारण वह टूट गई तो उस चीज़ पर हमें उदास नहीं होना चाहिए। चाहे वो माला टूट ही क्यों ना जाए, उससे बिखरे हुए मोतियों से हम एक नई माला बना सकते हैं। कवि कहते हैं, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। रूठे दिनों को मनाने वाले, इससे कवि उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो केवल दुख के बारे में सोचते रहते हैं, जो अपना पूरा लक्ष्य समस्याओं पर केंद्रित करते हैं। कवि उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आंगन में जब हम बहुत सारे दिए लगाते हैं तो हवा या किसी और कारण से उनमें से कुछ दिए जरूर बुझ जाते हैं, लेकिन उससे आंगन में जो प्रकाश है वह मिट नहीं जाता। जो दिए अब भी जलते रहते हैं वह आंगन को प्रकाशित करते रहते हैं। कविता की आगे की पंक्तियां है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि बताते हैं कि हमारे इस पूरे जीवन काल में हम कोई भी चीज़ खोते नहीं है, सिर्फ वह चीज़ अपना रूप बदलती रहती है। जैसे रात की चांदनी के बाद दिन का सवेरा होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि दोबारा हमें वही बात बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता है, बस चीज़ें अपना रूप बदलती रहती है। कवि हमारे बचपन का उदाहरण देते हैं। हमारे पास बहुत से खिलौने होते हैं, उनमें से कुछ टूट जाते हैं, लेकिन उन टूटे हुए खिलौनों से हमारा पूरा बचपन नहीं मर जाता है। कविता की आगे की पंक्तियाँ है, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। इन पंक्तियों से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु का खेल हमेशा शुरू रहता है। पनघट यानी वो जगह होती है जहाँ पर लोग पानी भरने आते हैं। पुराने समय में लोग मिट्टी से बने मटके, जिन्हें गगरी कहा जाता है, उसमें पानी भरा करते थे। बहुत बार वह मिट्टी की गगरिया फूट जाती थी, लेकिन उसकी वजह से वह पनघट कभी उदास नहीं होता था। आगे कवि हमें बताते हैं कि पानी में सैर करती कितनी सारी कश्तियों में से बहुत सी कश्तियाँ डूब भी जाती हैं, लेकिन इससे तट पर होने वाली चहल पहल, लोगों का नाव में सफ़र करना, आना जाना, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। यह सारी चीज़ें निरंतर चलती ही रहती हैं। जैसे जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, वैसे ही यह सारी चीज़ें भी निरंतर शुरू रहती है। कवि आगे कहते हैं, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम यानि कि अंधेरा, लौ यानि दीप की ज्योत, उपवन का अर्थ है बगीचा। इन पंक्तियों से कवि बताते हैं कि जो लोग हमेशा अंधकार के बारे में सोचते रहते हैं, यानी जो अपना सारा लक्ष्य केवल अपने जीवन की समस्या और दुखों पर केंद्रित करते हैं और उसके कारण सुख या खुशी के समय रूपी लौ बुझाते रहते हैं,
इन लोगों से कवि कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में पेड़ की चाहे कितनी ही पत्तियां गिर क्यों ना जाए, लेकिन उससे उपवन कभी मरा नहीं करता। पतझड़ के मौसम के बाद जो वसंत की ऋतु आती है, उसमें पेड़ पर फिर से नई पत्तियां उगाती है। ऐसे ही जीवन में भी कठिन से कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। कविता की आगे की पंक्तियां है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की न बंद हुई धूल की। कवि बताते हैं कि माली अगर चाहे तो वह उपवन के सारे फूल तोड़कर अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन उन फूलों की जो खुशबू उपवन में फैल चुकी है, उस खुशबू को माली उपवन से नहीं ले जा सकता। तूफान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन धूल की खिड़की को वह बंद नहीं कर सकता। कविता की अंतिम पंक्तियां है, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके मन में केवल नफरत की भावना रहती है। वह सदा दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। कवि हमें बताते हैं कि जब ऐसे लोग स्वयं को आईने में देखते हैं, तब आईना उनकी नफरत को देखकर खुद मर नहीं जाता। तब आईना इन लोगों के उदास चेहरे देखकर, यानी इन लोगों की उदास वृत्ति देखकर खुद नहीं मरता है। इस तरह कवि इस कविता से हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, हमें उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समस्याओं पर अपना लक्ष्य केंद्रित करने के बजाय उनका हल ढूंढने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। धन्यवाद।